ये है चोला कॉलोनी, गलत काम, गैंगवार, चोरी की गाड़ियों का लेना देना, शराब, गांजा, नशीली चीजें, जुआ खेलने वाली मशहूर जगह। एक जमाने में खाकी वर्दी वाले भी इस चोला कॉलोनी में आने से डरते थे। जेवियर साहब ने आपको यहाँ भेजा है क्या? आप अकेली आई हैं क्या? मैं हूँ मिराज, मैं आपको घर पहुँचाने के लिए ही खड़ा हूँ। आइए संभल के, ये लीजिए चाबी। राहु काल मत देखना, आप खुशी से अंदर जाओ। आप एक दरवाजा खोल दीजिए। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। अरे अरे संभाल के, अरे अरे संभाल के, देखिए। आप जानते हैं इस महिला को? तमिलनाडु से एक लड़की यहाँ आकर रह रही है और ये काम मिराज की वजह से ही हो सकता है। अरे वहाँ कोई समस्या हुई होगी इसीलिए यहाँ उसे घर दिलवाने के लिए कह रहे थे। क्यों? वहाँ के किसी आदमी ने इसे गर्भवती करके गांव से निकालकर यहाँ भेज दिया। ऐसा कोई करता है भला? बताओ, वैसे आपने महिला को घर बेचा क्या? मैं उस महिला को ये घर बेच दिया हूँ। भाई साहब, औरत और बच्चा दोनों ठीक है, लड़का हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे फालतू में पंगा क्यों ले रहा है? चल निकल, चल निकल, चल, चल उठ, उठ, चल, चल भाग यहाँ से, चल, चल भाग। वकील राजेश, ये लड़के गलत एड्रेस पर आ गए हैं, जाने दो इन्हें। आप लोग चोला कॉलोनी के लड़के हो ये समझ कर ये लोग यहाँ आए। हमने जो गाड़ी सेटअप की है उसे चक्कर पानी लेकर गया है, उसी का कोटेशन है ये। अभी वहाँ खड़े होके पंचायत मत करो, चलो यहाँ से चलो, उन्हें बाहर देख लेंगे। तुमने किससे पंगा लिया पता है तुम्हें? कलिपुर टीम से। चोला कॉलोनी में चक्रपाणी को कोटेशन दिया है, हमने उमर को नहीं दिया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से चुपचाप जाने के लिए कह रहे हैं हम। सुनो, अगर एक को छोड़कर जाना है तो जाओ, अगर तुम्हें उसे छोड़कर जाना है तो जाओ, वरना वो लोग हाथ पैर तोड़ देंगे फिर ले जाना। आपको जो करना है करो। स्टीफन, ये नए लड़के हैं, छोड़ दो उस लड़के को। अरे भाई समझाओ इन्हें। छोड़ दे उसे, दोबारा हमसे पंगा लिया तो कसम से कह रहा हूँ कीमा बना दूंगा। मेरे लड़के सीधा काम करते हैं, उनसे पंगा मत लेना। मिराज भाई, आज भी लड़के लोगों ने पंगा किया क्या? अरे ये तो चलता ही रहता है, मुश्किल क्या है कि ये भी हमेशा साथ देते हैं। ये सब बच्चों का लफड़ा है। हम यहाँ रहते हैं ये बोलने में बहुत शर्म आती है हमें, चोला कॉलोनी बोलो तो किसी को समझ में नहीं आती। आप लोगों को किसी ने तंग नहीं किया है ना? स्टीफन, राजेश और लड़कों ने कभी किसी को तंग नहीं किया है। वो अच्छे लड़के नहीं है, हमेशा लड़ते रहते हैं। खाली हमारे ही बच्चे हैं जो अच्छे संस्कार में पल रहे हैं। कॉलोनी में सारे के सारे क्रिमिनल्स ही हैं, एक भी सही आदमी नहीं है, पता नहीं क्या होगा यहाँ का।
सबको अपने अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तुम्हारा टाइम सही नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अंजाम पड़ी, त्रिपुर, रावल पड़ी, तुमने दिखा दिया तो तुम्हें मार डालेंगे। चक्रपाणि को पता चलने से पहले तुम वो जगह खाली कर दो। चक्रा, हमें मारने के लिए जिन्होंने सुपारी ली थी वो कलीपू के यहाँ चले गए। ये सुलेमान का काम होगा। नहीं, पालचेरा के लड़के कर सकते हैं ये काम। तो अब ये काम हमें करना होगा। अरे उस सुलेमान भाई के साथ पहले से ही हमारा पंगा है। हाँ, पंगा तो है। पंगा खत्म करेंगे। चक्रा, कुमला तक जाकर आएंगे, चलो जल्दी। शंकर, ध्यान से नंबर बदलना। तुम सिर्फ नंबर 4 ही बदलना, बाकी सब मैं संभालूंगा। सिर्फ वही लिखना है, अपने मन से नंबर मत डालना। अबे ओ, नंबर 9। मारो। छोड़ेंगे नहीं। हाँ रवि भाई, मैं आ रहा हूं। सुनिए। हाँ, मैंने शौचालय बनाने के लिए लिख कर दिया था, वो होगा क्या? मैं करवा दूंगा। लेकिन कब? मेरे मरने के बाद? चिंता मत करिए माँ जी, हिम्मत रखिए, सब हो जाएगा। क्या बात है भाई, हमें क्यों बुलाया? क्या राजेश, तुम लोगों ने जो काम किया इल्जाम मेरे ऊपर आ रहा है ना। मेंबर को क्यों इल्जाम लगेगा? स्टीफन, चोला कॉलोनी वालों को कोई सुधार नहीं सकता। मारपीट तुम लोग करते हो, इल्जाम मेरे ऊपर आता है। क्यों करते हो ऐसा तुम लोग? वहाँ जाकर लफड़ा करना जरूरी था क्या तुम लोगों के लिए? तो चक्रपाणी गलती करेगा तो इल्जाम हम पे लगेगा क्या? आप जानते हैं हमने अभी तक कोई चोरी की गाड़ी नहीं खरीदी है। अरे जाने दो, उस बात का बतंगड़ क्यों? हाँ, मेंबर ने बोल दिया तो हम मना नहीं कर सकते क्या? चक्रपाणी की टीम आ गई, तुम लोग निकलो, मैं संभालता हूँ। ये मेंबर दोनों तरफ ही बजाता है। मेंबर तो हमेशा हमारा साथ देता है। लेकिन वो लोग उस वक्त क्यों आए थे? अरे वो आदमी अकेले उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अब ये कौन सा नया बखेड़ा है? चक्रपाणी का गाड़ी बेचने वाली टीम गलत जगह पर कोटेशन लेकर आ गई। वापस उन्हें दे दिया? माँ ने ही कहा है उधार नहीं देना चाहिए, इसलिए टाइम पर दे दिया। वो सफेद कपड़े वाला मांडवली कराने के लिए आया होगा। सफेद कपड़े वाले ऐसे ही होते हैं। माँ की बातों ने हमारे मन को छू लिया, लेकिन हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सही वक्त का इंतजार करके हम जरूर कुछ करेंगे। वो लोग हमसे नहीं बच पाएंगे, देख लेना। तुम्हारे मन में रहने वाली आग अभी तक बुझी नहीं है। उसने बहुत मेहनत की है, उसने तुम्हें पैदा किया है, बड़ा आदमी बनाना चाहती है। कुछ लोगों ने उसके साथ अन्याय किया, ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ है। चेहरा छुपाने वालों से मैं नफरत करता हूं। मां ने दो काम करने से मना किया है। लड़की को छूना नहीं और किसी को धोखा मत देना। चोरी की गाड़ी और बिना पेपर वाली गाड़ी आज तक तुमने नहीं खरीदी, ये अच्छी बात है। मिराज भाई, हमारी पुलिस स्टेशन में खड़ी गाड़ी मिसिंग है। तो मैं क्या करूं सर? चोरी की गाड़ी खरीदना, बेचना और छुपाना, ये गुनाह है मिराज। वो काम नहीं करते, ये बात शिशुपाल जी अच्छे से जानते हैं। आप तो इनके साथ ही है ना?
मैं इसे तो देखिए, अगर आप खुलकर सारी बातें बताएंगे तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, नहीं तो मैं अपना काम करूंगा। ये हमारा काम है, आपको साबित करना पड़ेगा। मुंह कैसे खुलवाना है मैं जानता हूँ। शांत रहिए सर, हमें डराइए मत। सर वो गाड़ी मैंने नहीं देखी, वो गाड़ी मैंने खरीदी भी नहीं, ये आप जानते हैं। जाकर तलाशी लो। सर चलो, अच्छी तरह से देखिएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उन्हें अच्छे से पता है वो गाड़ी यहाँ पर नहीं आई है। वो पकड़ा गया लेकिन गाड़ी कहाँ गया ये सर ही जानते हैं। किसे धमकी देने के लिए आई है सब? यहाँ अपना खेल मत खेलो, निकलो यहाँ से। नहीं तो क्या करेगा तू? कॉलर छोड़िए सर, आप हाथ मत लगाइए। सरकारी वर्दी वालों का काम होता है लोगों की हिफाजत करना। सर जनता है तो आप हैं। बिना गलती के आपने हाथ लगाया ना तो आपका कलर उतर जाएगा। इसीलिए ये खेल खेलना बंद करके जगह खाली करो। फालतू लड़कों के हाथे हाथापाई मत होने दीजिए सर, चुपचाप आप यहाँ से चले जाइए। आप सिर्फ नाम के पुलिस वाले हो, आपकी ताकत यहाँ नहीं चलेगी, जाइए सर। देख लूंगा तुम लोगों को। हाँ निकलो निकलो, निकलो, चलो, चलो, चलो। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। टेढ़ा है, अगर ऐसे ही बोलती रही तो वक्त निकल जाएगा। हाँ माँ आपने बिल्कुल सही कहा, वक्त को नहीं पकड़ सकते। रास्ता ही टेढ़ा है इसीलिए ऐसा होता है। रास्ता तो टेढ़ा रहेगा माँ, लेकिन हमें तो संभल के चलना चाहिए ना। माँ मैं चलती हूँ। छोटी चाची। एक बजे महिला संघ की मीटिंग है, आप नहीं आएंगी तो फाइन लगेगा। ठीक है। हाँ स्टीफन। हाँ माँ, दीदी नाश्ता लेने आई है। आ रही हूँ बेटा। अरे इसे जल्दी दो वरना चिल्लाती रहेगी। अरे चल तू जा। तुम जल्दी आओगी क्या? देखती हूँ चाची। चित्रा वो ब्लाउज जल्दी सी कर देना। ठीक है दे दूंगी। हाँ जल्दी दे देना। चित्रा तुम एक स्कूटर ले लो। कब से बोल रहा हूँ इसे समझा कर कोई फायदा नहीं। तो वकील तुम दिलवा दो ना। तुम लोग। हाँ वकील दिला देगा और तुम चला लोगी। चित्रा। हाँ हाँ वासु भाई। कहा जाएगा भाग के? अब छोड़ रहा नहीं इसका। बीच में कहाँ खड़ी है? ये तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? रास्ते में दिखाई ना। कमीनों को छोड़ना नहीं, मारो सबको। Yeah!
अब इस हाथ से तो किसी भी लड़की को छू नहीं पाएगा। अरे सोना, ये सब फालतू में क्या पढ़ रहे हो? काम धंधा नहीं है क्या आजकल? बोलो। अरे सुनो, एक चाय दो जरा। कटिंग ला रहे? काम धंधा नहीं है क्या? है ना, खाने के लिए क्या है? डोसा है, पराठा है। पराठा चलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे भी वही। कैसी लड़की हो, ये सब खाने से पेट खराब होता है। कैसी लड़की हैं आप? इंग्लैंड के लोग यही खाते हैं तो उन्हें चपाती बोलते हैं, हम लोग खाते हैं तो उसे पराठा बोलते हैं। बस इडली भी मिलेगी, पराठा भी मिलेगा, दोनों नहीं खाना है तो डोसा खा लो। मुझे अपने टिफिन दे दो, मैं चुपचाप इसमें अपने मन से डाल दूंगा। दो इनमें दो दो डोसा दे दो। सांभर के साथ। आखिर कब पी कर जाओगे तुम? अभी बहुत गर्म है ना। चाय को शराब की तरह पी रहे, इस जन्म में तो ये नहीं सुधरेगा। पापड़ चाहिए क्या? नहीं, तुम्हें चाहिए क्या? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ। क्यों शंकर, घर में नहीं बनाए हो क्या? बीवी बीमार है यार। ओ। नहीं तो ये कभी हमारी दुकान की तरफ आते क्या? चलती हूँ पिताजी। चलती हूँ, चलो। संभल के जाना। हा? चित्रा दीदी, रेशमा नहीं आई? नहीं, अभी नहीं आई। क्यों, आज काम खत्म हो जाएगा? कल तक खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, काम खत्म करके मेरे घर आ जाना। हाँ ठीक है। ओके। लो तुम इसे पकड़ो, मैं चल रहा हूँ। चलो कम से कम, बूढ़ा गया तो दुकान से। जॉन इस तरफ कब आता है? वो अपनी मर्जी से आता है। कॉलोनी में अगर कोई काम होता है ना तो तुरंत आ जाता है। कॉलोनी वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है। इसे क्या हो गया? खामखा नाराज होकर चला गया ये। अरे जोर से धक्का लगाओ। अरे धक्का मारो और जोर से। अरे मार तो रहा हूँ। गियर में डाल दा, कुछ मदद करूँ क्या? दीदी को विधवा पेंशन दिलवाना है क्या? आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है तुम। जल्दी बैठो, आ जाओ आ जाओ। अरे चलो बैठो। काका, सही रेट लगाओगे तो ही हम लोग लेंगे। सही दाम लगा दो चाचा, खरीद लेंगे। ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है। राय जब भी गल्फ से आता है तो इसका इस्तेमाल करता है। अभी वो 2-3 साल तक नहीं आने वाला है, इसलिए मैं इसे बेच रहा हूँ। अब हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भंगार में जाएगा। ये ज्यादा नहीं चली है, अगर ठीक कर लोगे तो चल पड़ेगी। चाचा, अगर इसके पेपर क्लियर होंगे तभी हम खरीदेंगे। पहले दाम तो बताओ। ना आपका ना हमारा, हम 1500 में ले लेंगे। 1500 रुपए? इससे अच्छा तो तुम्हें फ्री में दे दूं। अरे हम मुफ्त में नहीं लेंगे। हाँ? सर। हे, तुम यहाँ कैसे? पिताजी, आपके बेटे ने तो कहा है कि इसे भंगार में दे देना, चाहे जो भी मिल जाए। क्या हुआ? अरे तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मैंने अभी दिमाग लगाया है कि मैं आपके स्कूल में एडमिशन ले लूं। ज्यादा मत बोल, इस स्कूल में छठा कोई नहीं रहेगा, समझा? चल जा, जा। अरे हटो इसे, हटो, जा जा रे, भगाओ इसे यहां से। बकवास कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं चक्कर पानी की टीम में शामिल हो जाता हूँ। ठीक है, ले लो तुम लोग। इसे जीप में डालो। पहले स्टैंड तो हटा। हटा रहा हूँ ना, ये लीजिए। जल्दी पैसे दो। हाय मंचु। हाय। जूस चाहिए क्या भाई? दो जूस। हाँ। भाई दो जूस। और भाई कैसा है? अच्छा हूँ। हैं? अरे इसके घर में एक बजाज स्कूटर था, उसे इसने बेच दिया। लेकिन वो तो पुराना था यार। तू भी ना, ये स्टाइल है, उसे मॉडिफाई किया तो गिनीज में नाम आएगा। ये दादाजी का काम है, उसे कॉलोनी के कालीपू गैंग को दे दिया। मैं एक नई बाइक लेना चाहता हूँ लेकिन घर वाले नहीं मान रहे यार। थोड़ा और जोर लगाओ ना, मिल जाएगी। कौन है देखना? हेलो, कहाँ पे? ओके ठीक है, रुपेश मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है, ठीक है।
रमणी, आज बहुत गर्मी है क्या? तुम उससे ही पूछो। ऐसा क्यों? उसने दो खा लिया है ना। अरे यार बहुत गर्म है, फूंक फूंक कर खाना। रमणी दीदी, तुम आज जल्दी नहीं सोगी क्या? नहीं दीदी, थोड़ी देर के बाद सो जाऊंगी। पांडे भाई, चित्रा को 500 रुपए दे दो। चित्रा, तुम ऐसे दान करोगी तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। लोगों से पैसा लेना तो ठीक है, लेकिन वापस भी करना पड़ता है। पांडे, तुम 500 रुपया दान में किसे दे रहे हो? ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। देखो बहुत चर्बी है, कैसे जा रही है? हाँ, सही कहा। जॉन सर, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने गलत कहा, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। उस लड़की ने हमसे पैसे लिए हैं। वो दुकान में साफ सफाई करती है, इस हिसाब से ये पैसे उसके हक के पैसे हैं। एक महीने का पैसा बाकी था, वो तो हमने कभी भी नहीं मांगा। उसके हक के पैसे थे, पर उसने हमसे कभी मांगे नहीं। और अपने मेहनत के पैसों से वो लोगों को खाना खिलाती है, किसी से भीख नहीं मांगती है वो। पांडे भाई, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो देगा ही। ऐसा है कि आपने कभी पैसे दिए हैं उसको, या वो लड़की कभी आपके घर में आके आपसे काम मांगी? बोलो तो फिर इतना गलत सलत क्यों बोल रहे हो उस लड़की के बारे में? इन लोगों के पास और कुछ काम तो है नहीं। सर, मैं आपको बताता हूँ, आपका कोई राम चाचा नहीं है। कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटो, बेचारी के दिल को चोट पहुँचाई। कैसे कैसे लोग हैं? कितना हुआ? 20 रुपए। ये लो, 10 बाद में दे दूंगा। तेरा बात कभी नहीं आता रे। अरे वाह, ये भी उसका ही साथ दे रहा है। हम इसे समझा ही नहीं सकते, फालतू लोकल्स। मेरा तो मन करता है इसके मुंह पर गर्म पानी फेंक दूं। आप ग्लास साफ करके अच्छे से चाय भी नहीं देते हो। तुम जैसों के लिए मैं साबुन से ग्लास साफ नहीं करता, बस उंगली लगा के 2 बार घुमा देता हूँ। अच्छी बात है। हमें भी ऐसा ही दिया क्या? ए, एक बार नहीं, 2 बार। चुप रहो। समोसा दो ना। गांधी जी ने कहा कि हमें अहिंसावादी होना चाहिए और उसके लिए। सुनो, चाय पीनी है क्या? तुम्हें चाहिए? क्या हो रहा है? नहीं चाहिए। अरे थोड़ा पानी लेके आओ तो। लता जी, पिताजी जी। हाँ, ये लो। माँ, मुझे भी चाय पीनी है। पहले तो मना किया था, अब पीनी है तो आके बना लो। क्या माँ? पीनी है ना। जाओ बेटी। ये लीजिए। जॉन सर से पैसा मिला क्या? नहीं, कल काम खत्म हो जाएगा ना तो ले लूंगा। अगर वो पैसा मिल गया तो उधारी का पैसा चुका सकते हैं, लेकिन हमें समय पे पैसा देना होगा, नहीं तो वो आदमी बहुत बेइज्जती करेगा। हाँ, मैं ना मिक्सी खरीदना चाहती हूँ, इतने सारे मसाले पीस के मैं थक जाती हूँ। विनय, हाँ, ये चलेगा क्या? बराबर चलेगा। और कुछ है क्या? कौन सी कंपनी का? किसी भी कंपनी का चलेगा। ऐसा तो देता हूँ एक कंपनी का। पुराना है तो तुम नाराज तो नहीं होगी ना? नाराज होने की क्या बात है, काम होना चाहिए बस। नया होता तो गारंटी मिलती ना। अरे आजकल तो इंसान की गारंटी नहीं है, पुराना है लेकिन अच्छा मिल गया है। हाँ। माँ, मुझे एक डाउट है। क्या है? शादी में पिताजी ने आपको पुरानी साड़ी दी थी क्या? पुरानी गाड़ी बेचने के लिए तुम्हारे पापा ने ही कहा था, फिर मुंह लटकाने की क्या जरूरत है? मुझे वो चाहिए, मैंने कहा था ना। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? पुरानी मॉडिफाई करना ही फैशन है। ओह, इस हिसाब से देखो तो मैं भी पुराना हो चुका हूँ, तो मुझे हाफ पैंट या जींस पैंट पहननी चाहिए। हाँ, पहन के जाइए, आपको भी दाढ़ी मिल जाएगी ना। अब इन लोग को कौन समझाए? ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं स्कूटर को अल्टर करने की बात कर रहा हूँ। ओह, तब फिर ठीक है। मेरा बेटा, मतलब तुम्हारे पिताजी 50 साल के हो गए, अल्टर करके गाड़ी चलाने की उसकी उम्र खत्म हो चुकी है। ओह, क्यों फालतू में ये सब बातें करनी है, चुप रहिए ना। क्या है? मेरे क्लास में सबके पास बाइक है। तो
मुझे भी चाहिए। तुम अपने पापा से कहो या दादाजी से कहो। ये नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं? पापा से तुम बोल दो ना, मुझे चाहिए। लाइसेंस लेने की उम्र नहीं है तुम्हारी। मेरे दोस्त बाइक चला रहे हैं ना, उनके पास भी तो लाइसेंस नहीं है। क्या चाहिए इसे? मुझे 5 एकड़ जमीन चाहिए। फिर हमें 1 एकड़ में घर बना के दे देना। चल बेटा क्ला, मैं वहाँ घर बनाकर उसमें ऐसे लोगों को रखूंगी जिनके पास अपना कोई घर नहीं है। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, कहाँ से लाओगी? वो सब हो जाएगा। पहले मैं सिर्फ 2 लोगों को खाना खिलाती थी, अब तो 45 लोग हो गए ना। तेरी वजह से बोल रही है। हाँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इस गांव में सारे अच्छे मन वाले लोग ही रहते हैं। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। जरूर होगा। तो हम कहाँ पर थे? तो छोटी उम्र में घाघरा पहनना अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगता है। अरे छोटी उम्र में घाघरा पहनना अच्छा लगता है। दिल को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मेंबर हो, आ जाओ। आप बैठिए, काम कीजिए आप। हाँ। कहीं भी जाता हूँ लोग चित्रा की बात करते हैं। तुम्हें त्रिशक्ति पुरस्कार जरूर मिलेगा इस बार। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। चित्रा, मंदिर के बगल वाले घर में वो मोटा चंद्रा रहता है, जानती हूँ। हाँ, चंद्रा की बेटी राजी सिलाई का काम करने आती थी, मैं उसे जानती हूँ। अब उसने आना छोड़ दिया है। वहाँ उसके परिवार के रिश्तेदार में 4-5 लोग है। हाँ, उन सबको मैं जानता हूँ। हाँ? बहुत अच्छे से जानता हूँ। सच में? और क्या, मेंबर कभी झूठ बोलता है क्या? ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। बस बस बस, बहुत तारीफ कर ली, मैं चलता हूँ। अच्छा। हाँ। कल खाना लाना मत भूलना। हाँ। ओके। हाँ, ठीक है। बेचारे के सफेद कपड़ों से सबको जलन होती है, लेकिन ये कितनी मदद करता है। बहुत अच्छा इंसान है, चाहे कुछ भी बोलो। सबको एक नजर से देखना अच्छी बात नहीं है। सुनिए जी, उसे खाकर जाने के लिए कहिए। सुना नहीं? आना खा कर जा, मैं तुझे ड्रॉप कर दूंगा। नहीं पापा, मैं चला जाऊंगा। जॉन सर है क्या? पापा। अरे मेंबर, क्या बात है मेंबर? जॉन सर, मेरे पहचान के कुछ लोग बैंक अकाउंट खोलने आएंगे। ओ। और हमारे कॉलोनी में कुछ लोगों का लोन भी पास करना है। ठीक है मेंबर। मम्मी मैं चलता हूँ, पापा मैं जा रहा हूँ। चले। हाँ। मुझे अपने दोस्त को भी पिकअप करना है। हाय 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 हाय, कैसा है तू? रुपेश तुम भी बैठ जाओ, टाउन ही जा रहे हैं। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं फ्रेंड्स के साथ आ जाऊंगा। जाइए आप, ध्यान से आना। ठीक है, ठीक है, बाय। मिलते हैं। बाय। मिराज भाई, हमें एक छोटा सा धंधा करना है। वो क्या है? मीरेज से ट्रक का लोड आया है, वो नंबर 3 का है, 10 में 5 का हिसाब आता है। मीरेज से चोरी की गाड़ी का NOC क्लियर करा के कंटेनर से यहाँ लाकर उतार कर बेचने का धंधा चल रहा है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में ये गुनाह माना गया है। इसलिए ऐसा काम ना करो तो ही अच्छा है। 2004 तक इनोवा का इंजन यहाँ स्क्रैप में मिल जाएगा। नंबर 2 हो तो मैं लेता हूँ। RC बुक सिर्फ ऑनर लाएगा तो ही ये गाड़ियाँ लूँगा मैं। लेकिन ये धंधा यहाँ नहीं होगा। चक्रपाणी ने बहुत कोशिश की है चोरी की गाड़ी यहाँ घुसाने के लिए। उसका बाप चिंगेरी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या सोनी भाई, आपको पता है ना, यहाँ चोरी की गाड़ी नहीं लेते। हर एक धंधा आया था, इसीलिए मैंने बताया। चाहो तो तुम डील करो, कोई अच्छा धंधा लेकर आओ भाई, हम डील करेंगे। डील हो या ना हो, लेकिन धंधा अच्छा है। इसमें 10 में से 5 का ही हिसाब होता है। सोनी भाई, 10 में से 5 है यहाँ रहने वाला सब, बाकी मेरे गोदाम में है। ऐसा धंधा हमें नहीं करना है। ठीक है भाई। ठीक है। पसंद ना आए तो छोड़ देना, फालतू सीन क्रिएट नहीं करना। मिराज भाई, फोर्ड का गियर बॉक्स है क्या? हाँ हाँ है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। सोनी भाई, नए कोटेशन के बारे में बात हुई,
नहीं, आपको क्या लेना है? हमारे लिए सब कुछ चलेगा, जो भी दे दो। हरीश चंद्र का भाई है, ये लोग वो सब पसंद नहीं करते। भाई हम सब जानते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है, सब पता है हमें। देखो तुम्हें जो चाहिए वो लेकर जाओ यहाँ से। क्या मिराज भाई, बड़े अकड़ में बात कर रहे हो। तुझे तो लगेगा ही, क्योंकि तेरी उम्र जो है। हाँ उम्र है, दिखाऊं क्या, पंगा लोगे क्या? हाँ पंगा करने के लिए नहीं बेटा। हे चुप हो जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो लेकर जाओ। हमें यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए। इस शहर में और भी बहुत सारी स्क्रैप शॉप है, वो लोग डील करना चाहते हैं तो इसे क्या पड़ी है। पेपर के बिना आप गाड़ी लिए तो यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता है। काट कर फेंक देंगे। ए, बस कर, बहुत देर से देख रहा हूँ पक पक कर रहा है, यहाँ के ज्यादा गुंडाई मत कर, चल निकल। तो क्या कर लेगा बे, बता। ए, चुपचाप रहो, निकलो यहाँ से। ये आदमी तेरा बाप है क्या? तेरी तो। कितनी बार कहा तुमसे, तुम हो कि समझते ही नहीं हो। मैंने क्या गलत कहा? बस में जाने में मुझे प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। इसीलिए तो कह रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता तुम्हें। मेरी माँ अगर मेरे पास बाइक रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारा काम हो सकता है बाहर आने जाने का। लाइसेंस ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें कुछ भी लेकर दूंगी। जहाज नहीं, खिलौने वाला जहाज दिलवा देगी। यार मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। हम नए जमाने के, पुराने जमाने के लोगों से हमें हटना नहीं चाहिए। तुझे बाइक चाहिए, यही बात है ना? हाँ यार, उसका एक ही रास्ता है। तुम्हारी माँ का व्हाट्सएप नंबर क्या? क्यों, जरा अपना व्हाट्सएप दिखा। ऑनलाइन ओके, आज तू घर जा और कैसे भी करके बाइक मांग। मैं हजार बार समझा चुका हूँ लेकिन कोई नहीं मानता यार। ऊपर से मेरे दादाजी, बुढ़ा बहुत जिद्दी आदमी है। अरे वो सब छोड़, तू घर जा, जैसा मैंने कहा है वैसा कर, देखना क्या होता है। मुझे बाइक चाहिए। राहुल, उसे भूख लगी होगी, खाना दे दो। हाँ। अब क्या हो गया? मुझे बाइक चाहिए ना। बाइक लेगा, पहले चुपचाप खाना खा ले। ले यहाँ रखा है सब कुछ, ले ले चुपचाप। हैं? ये क्या किया तूने? हैं? आप देख रहे हैं ना मैंने क्या किया। मुझे जवाब देता है। ये क्या किया तुमने और किससे बात कर रहे हो, ये तो देखो, ऐसे बात करते हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब यही होगा, मैं किसी को इज्जत नहीं दूंगा। इज्जत नहीं दूंगा, इज्जत देनी पड़ेगी। सही परवरिश होगी तभी तुम्हारा विकास होगा। हम कभी अपने बड़ों के सामने खड़े नहीं होते थे, आज तक हमने अपने से बड़ों को कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ऐसे माहौल में परवरिश हुई है हमारी, इसीलिए हम आज भी संस्कारी जीवन जीते हैं और तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो। स्कूल में आखिर क्या पढ़ाई करते हो, हा? तुम्हारे पिताजी गल्फ में जाकर मेहनत करके कमा रहे हैं तुम्हें बिगाड़ने के लिए, हा? जो परवरिश कर रहे हैं उसका हिसाब बता रहे हैं मुझे। हिसाब की बात कर रहे हो तुम? उसने कभी हिसाब की बात की है क्या? इतना खर्च करके पाला है लेकिन कभी उसने हिसाब नहीं मांगा। कल जब उसकी जगह पर तुम होगे तब तुम्हें समझ में आएगा। आप लोगों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। मैंने सिर्फ बाइक ही तो मांगी है, तुम्हारा मन कहे तो दिलवा देना, बस नहीं बोलूंगा अब। अच्छू तू चिंता मत कर, मैं तुझे खेल बताता हूँ, पक्का? तू अपनी माँ का व्हाट्सएप नंबर ओपन कर। ठीक है, ऑनलाइन अभी मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करना। तुम कितने बजे घर जाते हो? शाम को 5 या 6 बजे। अच्छा तो तुम 4 बजे घर जाओगे, वहाँ पर तुम्हारी माँ मोबाइल में बिजी रहेगी, जैसे ही तुम्हें देखेगी शॉक हो जाएगी। आज जल्दी कैसे आ गए? क्लास जल्दी खत्म हो गया ये बोलना, वो तुम्हें खाना खाने के लिए कहेगी। जाओ और खाना खा लो, जाओ। तुम बोलना नहीं खाना, बेडरूम में चले जाना, फिर तुम्हारी माँ बोलेगी। मैं नहाकर आती हूँ, फिर चाय बना कर देती हूँ। तुम्हारी माँ जब नहाने के लिए जाएगी तुम अपनी माँ का मोबाइल फोन चेक करना। लेकिन माँ का फोन पैटर्न लॉक है। छोड़ना, पैटर्न लॉक कैसे खोलना मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर तुम व्हाट्सएप ओपन करना, माँ ने जो मैसेज डिलीट नहीं किया है तुम उसे पढ़ना, एक एक करके सारे मैसेजेस।
नहाकर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चाय लेकर के आएगी। फिर तुम अपनी माँ से कहना, माँ मुझे बाइक चाहिए बस। कितनी बार कहा है तुमसे, अभी बाइक लेने की उम्र नहीं है तुम्हारी। अब तुम्हें अपनी माँ से पहले ये बताना पड़ेगा। जिंदगी की प्यास अकेले नहीं बुझा सकती हो, उसके लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन मुझे बाइक तो चाहिए। ये सुनने के बाद तुम्हारी माँ पे बिजली गिरेगा और वो रिएक्ट करेगी। रात को डिनर के समय तुम्हारी माँ तुमसे कहेगी, कल मैं बैंक जाकर तुम्हारे स्कूल आ जाऊंगी और तुम्हें बाइक दिला दूंगी और तुम खुश हो जाना, साथ में कोई पंगा नहीं। बहू ये कैसी बात कर रही, बाइक खरीद कर दोगी इसे? मैंने और रोहित ने कहा ना वो इसे नहीं दिलवानी है, फिर क्यों तुम अचानक ऐसे बदल गई? फालतू में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करना, बच्चों को छोटी छोटी चीजें दिलानी ही पड़ती है। हम मना थोड़े ना कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिद को मान लेना गलत होगा। इसे स्कूल जाने पर बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए दिला रही हूँ, और कुछ नहीं। स्कूल टाइम पे पहुँच जाएगा बाइक से, बस से जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसे ऐसा कह रहा था। उसे पता चलेगा तो वो मार डालेगा। पिताजी उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें ठीक से समझा दूंगी, आप ऐसे प्रॉब्लम मत क्रिएट करिए। तुझे और कुछ चाहिए क्या बेटा? नहीं ना। भाई आ जाओ। हाय। आ जाओ। हाय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पार्टी करेंगे। हाय मच्चू, कमाल कर दिया यार तूने, मस्त है। बाइक ले लिया, सुपर बढ़िया। पूरा शहर घूमेंगे हम, इसका पूरा खर्च मैं दूंगा। या। पिंसी, रुको। हाँ? मिस ने क्या कहा? प्रोजेक्ट को मंडे सबमिट करना है। तेरी सिस्टर नहीं आई? नहीं। ओ तो मेरे घर चलो ना, साथ में मिलके प्रोजेक्ट बनाते हैं। कल सैटरडे है, मैं कल आती हूँ। कंप्यूटर नहीं है ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। पिताजी से लाने को कहूं। ले लो, इसे भी चाहिए। हाय विंसी। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। कल हम स्टडी टूर चलें? मैं नहीं आऊंगी, तुम जाओ। यार तुम पता नहीं कैसी लड़की हो। ए, तुम इधर आना। तुमसे तो बदबू आ रही है, नहाती नहीं हो क्या? नहाती। आज तो कम से कम नहा लो। स्कूल में नहीं मिल रहा है, आप थोड़ी हेल्प करो ना हमारी। घोड़ा देता हूँ ना, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। पैसों की टेंशन नहीं है। एए, ये लोग कौन है? ये अपनी पुरानी टीम है, एक नया भी है, आज ही जुड़ा है। इसके भी कस्टमर्स हैं, इसे भी वो चीज चाहिए थी। तुम रोहित के बेटे हो ना? अब हाँ भाई। ए, तुम धोखा तो नहीं दोगे? नहीं नहीं भाई, ये मेरा साथी है। ये पैसा कमाने वाला धंधा है, लेकिन सावधान रहना होगा। अगर पकड़े गए ना और हमारा नाम लिया तो सोच लो, ऊपर भेज दूंगा। नहीं भाई, बहुत होशियार है, मैंने सब कुछ समझा दिया। होशियार हो या कुछ भी हो, अपना नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं माल लेके आता हूँ। माँ, रेशमा आ गई है, उसे मेरे बेडरूम में भेज दो। कम कम, कैन वी स्टार्ट? अरे ये क्या है? क्या हुआ? अरे ये क्या है? तुम दिखाओ। ओ, तुम तो ऐसी भोली बन रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं देखूंगी। देखो तो सही, यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। देखो देखो देखो, ऐसे नहीं करते, सर ध्यान से देखो ना। सर्वनाश,
रात भर यही देख रही थी क्या? कैरी ऑन कैरी ऑन। पिताजी, क्या है? आपसे एक बात करनी है। बोलो। स्कूल का प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए मुझे कंप्यूटर चाहिए। लेकिन हमारे पास तो पैसा नहीं है। 40,000 में आ जाएगा। उतना पैसा तो मैं जानती हूँ पिताजी, ये आपसे नहीं होगा। कंप्यूटर नहीं रहेगा तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी ना। तो अब क्या करना है? हाँ, कंप्यूटर नहीं खरीद सकते हैं तो लैपटॉप। कम पैसे में सेकंड हैंड खरीद सकते हैं पिताजी। खरीद दीजिए ना पिताजी। सेकेंड हैंड कभी कभी अच्छा होता है। चल, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ब्याज के साथ पूरे पैसे वापस कर देना। ठीक है। अरे सॉरी, मुझे 16,000 रुपए चाहिए। अगले महीने आ जाओ, मैं दे दूंगा। अरे ऐसे मत बोलो, बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए यार। तुम्हारी बात तो मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे अर्जेंट में कुछ लोगों को पैसे देने हैं। आप कुछ भी करके इंतजाम कीजिए ना, मैंने कभी आपका पैसा चुकाने में देर किया है क्या? मैं कब कह रहा हूँ कि तुमने पैसे लौटाने में देर की है, मगर जो पहले आता है उसे मुझे पहले पैसे देने पड़ते हैं। अरे लड़की की पढ़ाई का सवाल है, इसलिए मांग रहा हूँ। कोई तो रास्ता निकालिए ना, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाबू भाई, वो रिजर्वेशन करवा देना भाई। पिताजी ने पैसे देने को कहा है, तुम एक अच्छा लैपटॉप देख लो। तुम्हें तो मजा आने लगा है लगता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अच्छा है। मैं वेनी से बात करती हूँ, वो अच्छा सिस्टम इंस्टॉल करके देगा। अच्छा सुनो, वो मेरी हेल्प कर सकता है क्या? उससे पता चलेगा तो अच्छा रहेगा क्या? ऐसा क्यों, उसको मेरा फुल सपोर्ट है। फिर भी कोई फेर वे नहीं, मेरी बात मान जाओ ठीक है? बस करो, मैंने कहा बस करो, उठो चलो यहां से।
रोहित भाई, ऐसा रहेंगे तो कैसे चलेगा? जब से आए हैं पानी तक नहीं पिया है आपने। चलिए। बहुत कोशिश की मैंने भूलने की, मगर जितना सोचता हूं मैं उतनी याद आती है उसकी। अपनी परिवार की खुशी की खातिर हम लोग दिन रात एक करके जी तोड़ मेहनत करते हैं, कुली बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, सिर्फ अपने परिवार की खातिर। और एक दिन हमारे परिवार से कोई हमें इस तरह छोड़कर चला जाता है, आखिर कैसा है ये जीवन? अब ये मान लीजिए कि उसकी उम्र इतनी ही थी। उसे पाल पोस कर बड़ा किया था मैंने, उसकी लाश देखने के लिए। मैंने कहा भी था, मेरी जानकारी के बिना तुम उसे बाइक नहीं दिलवाओगी, लेकिन तुमने एक रात में ही अपने मन से फैसला कर लिया। वो बहुत जिद कर रहा था। वो जिद कर रहा था? तुमने उसे बाइक नहीं दिलवाई बल्कि उसे मौत दिलवा दी। लेकिन इन सब के पीछे मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें ये मोबाइल दिलवाया, अब तुम्हें इसके लिए रोना पड़ेगा। एक बात तुम हमेशा याद रखना कि हम दोनों की एक बेटी जिंदा है। चले जरा। सर, इन्हीं लोगों ने वो इस्तेमाल किया था। ड्रोन लाए हो क्या? निकालो। हाँ सर, लाए हैं। सिर्फ तुम ही लोग हो क्या? नहीं सर, और भी दोस्त सर, उन्हें पकड़ने के लिए कांस्टेबल भेजा है मैंने। उम्र क्या है तुम्हारी? मैंने पूछा उम्र क्या है? 18 साल सर। तुम्हारी माँ की उम्र की है इनकी पत्नी? हमने अनजाने में किया सर। अनजाने में समझाओ। तुम लोगों ने मिलकर इनकी बीवी को पेशेंट बना दिया। अभी का ट्रेंड है सर, FB लाइव होना। इन लड़कों को बोले तो इस ड्रोन से काम करते रहते हैं। तुम्हारे ट्रेंड की वजह से आत्महत्या करने की कोशिश में हॉस्पिटल में क्रिटिकल पोजीशन में है इनकी पत्नी। तुम जब FB लाइव दिखा रहे थे, चार दीवारी के अंदर नहाते हुए इनकी पत्नी के नहाने का सीन लाखों लोगों ने देखा इंटरनेट पर। जानबूझकर नहीं किया सर। ये झूठ बोल रहा है साहब, दिन रात ये लड़के मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते थे। तुम इनकी लड़की के साथ फिल्म बनाने वाले थे क्या? लड़की की जगह उसकी माँ का सीन ले लिया। तुम लोग कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देख पाओगे, अंदर डालकर सड़ा दूंगा। सर, हमने क्या गलती की है सर? इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए सर। देखो लड़कों, ये चीज हर जगह हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसके इस्तेमाल के कुछ नियम है। इन्हें नियम बताकर अब क्या फायदा होगा साहब? मेरी बीवी के लिए आप क्या न्याय करेंगे बताइए साहब। आप तो फिलहाल हॉस्पिटल चले जाइए, बाकी मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है साहब। एक मिनट रुकिए, देखिए पत्नी के ठीक होने पर उनसे कहिएगा कि अंदर के बाथरूम में नहाया करें। हाँ ठीक है, बता दूंगा मैं। हाँ ठीक है, जाइए। साजी सर, इस ड्रोन को कोर्ट में ले जाना, इसे सील कर दो। सर, इन्हें रिमांड पर ले लो। वो ड्रोन को लेकर जाओ। चल 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 चलो चलो, जाओ जाओ। बैठो साजी। सर। हेलो। हाँ बोलो। तुमने उनका स्केच बना लिया? ओके ठीक है, चोला कॉलोनी तक चलना है सर। मैसेंजर ने इन्फॉर्मेशन पास की है, वहाँ ब्राउन शुगर बेच रहे हैं कुछ लोग। सर, वो जगह शहर से काफी दूर है, उन्होंने वापस शुरू कर दिया क्या? कलिकपुर टीम के लोग ये काम नहीं कर सकते हैं सर। अरे ये तो चक्रपाणी है। वो सामान बदल देगा, उससे पहले उसे पकड़ना होगा। अभी वो लोग कॉलोनी में है, माल उनके पास ही है। हम सीधा जाकर उसे नहीं पकड़ सकते, वहाँ शॉर्टकट का एक रास्ता है, हम उसी से जाएंगे। हाँ सर। तो गाड़ी निकालने के लिए। ठीक है सर।
गाड़ी साइड में करो। एबी सर का मैसेज आया है, किसी ने हमारे स्केच बनवाया है, पुलिस पीछे लगी है। तो अब हम क्या करें? हमें किसी भी हाल में इस माल की जगह बदलनी होगी। बदलना है। तुम लोग मल्ली को बुलाओ, हमें कैसे भी बचना है। मल्ली इधर आओ, तुम्हारे पिताजी काम पर गए हैं। गए हैं। अच्छा एक बात बताओ। पूछिए। कल तुम्हारे घर पर क्या हंगामा हो रहा था? शराब पीकर पिताजी ने माँ को मारा। तुम्हारा बैग तो बहुत भारी है, तुम यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ। हाँ। उसके स्कूल पहुँचने से पहले माल निकाल लेना, समझ गए ना तुम लोग? चलो। हेलो बासी, तुम तृप्ति के स्कूल पहुंचो। हाँ, हम माल वहीं देंगे, चलो तुम। देखो लड़कों, यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो, चुपचाप माल दे दो। सुनो चक्रपाणी, जल्दी से माल निकालो और सर को दे दो। माल? कौन सा माल? मैं समझा नहीं। ओह माल, वो नहीं दूंगा सर, नहीं। ए, मजाक मत कर, जल्दी निकल। हम अपना माल सर को देंगे तो सर अपना माल हमें देंगे क्या? चुप, मुंह बंद कर। हमसे मजाक मत कर, माल जल्दी निकाल। वो ब्राउन शुगर जल्दी निकालो। सर क्यों परेशान कर रहे हो? जल्दी सबको नीचे उतारो। आपको चेक करना है तो कर लो। सर, हमने कुछ नहीं किया सर। चलो चुपचाप, हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, हमारी बात सुनने से खड़े रहो। सर कुछ नहीं मिला सर। क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं मिला ना, बेकार में हमें तंग किया। ये क्या हुआ? चल 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 चल, निकल 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 निकल। कैसे हुआ जब हुआ? चले क्या? फालतू में गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। क्या बोला तूने? आजा आजा, चल जा, देख लूंगा। चल चल चल, गाड़ी में बैठ, देख लूंगा आपको। चल निकल निकल, चल चल रहे, चल गाड़ी निकाल निकाल निकाल। चल सर, बेकार में किसी को तंग मत किया करिए। शिवपाल तुम चिंता मत करो, प्रॉब्लम क्या है? उनके पास ब्राउन शुगर है ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी, पर वो लोग बच के निकल गए। उन लोगों ने बदल दिया है मगर माल है। हाँ? तुमने देखा क्या? कॉलोनी के स्कूल के बच्चे आगे गए हैं। हाँ। उनमें से एक लड़की के बैग में माल है, मुझे पक्का विश्वास है। ओके भाई, फोन रखो, स्कूल की बच्ची के पास माल सर। है, उसे पकड़ना है। चलो 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 अंदर चलो। लड़की के बैग में माल है, पुलिस को कैसे पता चला? आखिर किसने बताया होगा? रुको रुको रुको, बच्चों जरा रुको, तुम लोग इन सबके बैग चेक चलो, करो। चलो दिखाओ दिखाओ, बैग दिखाओ बेटा, बैग दिखाओ, बैग दिखाओ बेटा, दो बेटा दिखाओ दिखाओ बेटा। ये कहां से मिला? पता नहीं जी। नहीं जानती? नहीं सर। सर ये देखिए, इधर आओ, बाकी बच्चों को छोड़ दो। तुम्हें किसने दिया ये? अभी से ही तुमने ये काम शुरू कर दिया। किसने दिया बताओ? पता नहीं। किसने दिया बोलो? बताओ मुझसे। क्या हमेशा इसे तुम बैग में रखकर स्कूल जाती हो? कॉलोनी में इन लोगों की वजह से बहुत बदनामी हो रही है। हाँ। ये लो सर, चलो चलो चलो, सब गाड़ी में बैठो, चलो चलो गाड़ी में बैठो, चलो चलो बैठो। बच्ची सच सच बताओ, किसने दिया तुम्हें ये? मैं नहीं जानती सर। फिर ये पैकेट तुम्हारे बैग में कैसे आया? मैं नहीं जानती। जरा अपना हाथ दिखाओ मुझे। अरे बाप रे, देखो पुलिस क्या करेगी तुम्हें पता है? देखो इस नाखून के बीच में सुई घुसेर देगी। नहीं सर। नहीं करूं? नहीं। ठीक है तो बताओ मुझे। ए,
बता तूने कब से धंधा शुरू किया है? कैसी बातें कर रहे हो? बताओ मुझे, तुम्हें ये किसने दिया? नहीं जानती हूँ। आ जाओ। डरो मत, बताओ कहाँ से मिला? नहीं जानती हूँ। तुम जानती हो, सच बताओ। बाहर कौन खड़ा सर, है सर? उस बच्ची के माँ बाप आपसे मिलने के लिए आए हैं सर। अंदर भेज दो सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। बैठिए ना। मेरी बेटी सर। मेरी बेटी को क्यों पकड़ा है साहब? आपकी बेटी के बैग से ब्राउन शुगर निकला है। पक्का सर ये किसी की चाल है? हो सकता है, लेकिन पकड़ी गई है तो एक्शन तो लेना ही होगा। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बच्ची है इसलिए जुवेनाइल कमेटी को बताना पड़ेगा। चीफ मजिस्ट्रेट से जमानत लेनी होगी, नहीं तो रिमांड करके जुवेनाइल सेल में डाल देंगे। सर बच्ची का स्टेटमेंट ले लिया है। जब वो घर से निकली तो कॉलोनी के लड़कों ने उससे कुछ पूछताछ की। वो उससे उसके पिताजी के बारे में पूछ रहे थे। ये वही लड़के हैं सर जिन्हें हम पकड़ने के लिए कॉलोनी में गए थे। बच्ची ने कुछ नहीं किया सर। फिर इसके बैग में कैसे है? हो सकता है बातचीत करते वक्त उसके बैग में डाल दिया हो। सर पक्का ये किसी की चाल है सर। रास्ते में मिले उस आदमी का नाम बच्ची ने बताया था क्या? बताया सर, चक्रपाणी और उसकी टीम। सर वो बच्ची है, उसे प्लीज आप जमानत दे दीजिए ना। सर मेरी बच्ची ने कुछ नहीं किया। बच्ची को लाओ सर। ठीक है मैं इसे जमानत दे देता हूँ, लेकिन माइनर बच्चों से अगर नशीली वस्तु पकड़ी जाए तो सेक्शन 78 के अनुसार 7 साल तक जेल की सजा हो सकती है और 1,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानती। बता तुझे किसने दिया था बेटा? वो पैकेट किसने दिया था बता दे। मैं कुछ नहीं जानती माँ। मेरी बच्ची मुझे नहीं पता। मेरी बच्ची मैं नहीं जानती। नहीं जानती। चलो किसी को मत छोड़ना। ओए किसी को नहीं छोड़ना। छोड़ेंगे सबको काट कर पीट दो। अरे रोक, तेरी तो भाग का है। चल उठ बे कमीने, ये ब्राउन शुगर का केस है। मल्ली को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम लोग औरतों और बच्चों को तंग नहीं करते। चल निकल यहाँ से। तेरी तब चल। अरे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ए सुन धक्का लगा। अरे आगे से नहीं पीछे से। चल चल धक्का लगा। पीछे से लगा धक्का। चल आ जा जल्दी। आ जाओ। अरे क्या कर रहा है? जोर लगा के। और जोर से लगा। हाँ लगा रहा हूँ। और जोर लगा। अरे कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अबे खाना नहीं खाया क्या? गाड़ी स्टार्ट हो गई। चल बैठ बैठ। चलो आ जाओ। आ जाओ। सब बैठ गए ना? ठीक है। हाँ,
अरे सुनती हो? हाँ। जरा पानी ले आओ तो। अभी लाती हूँ। बेटिया कहाँ है? अंदर पढ़ाई कर रही है। उसने जो पैसे मांगे थे ले आया, उसे ले जाके दे दो। ये लो। आप ही दे दीजिए ना। अरे ये अच्छे काम के लिए है, तुम अपने हाथ से दोगी तो अच्छा होगा। एक माँ दर्द सहन करके बच्चे को पैदा करती है, वो दर्द थोड़ी देर के लिए होता है। एक पिता बच्चे के लिए जीवन भर दर्द सहता है, इसलिए ये पैसे आप ही उसे दीजिए, ये आपके मेहनत के पैसे हैं। बेटी, पिताजी बुला रहे हैं। आप मच्छी नहीं लाए क्या आज? मच्छी नहीं लाया हूँ, वो क्या है कि आज का पैसा मिला ही नहीं, कल मिलेगा तो अच्छी मच्छी ले आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, घर में बहुत सारी सब्जियां पड़ी हैं, आज उसे बना लेती। हाँ, तुम चाय बनाओ। ठीक है। ये लो तुम्हारे लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे। थैंक यू। दीदी जो भी मांगती है आप उसे तुरंत दे देते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? स्कूल से डांस परफॉर्मेंस के लिए सब जा रहे हैं, आप मुझे भी भेजिए ना। ठीक है, मैं तुम्हें भी भेज रहा हूँ। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको नहीं पता बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गुनाह है? और बात सिर्फ इतनी नहीं है, आपका बेटा जो बाइक चला रहा था ना, रास्ते में जाने वाला एक यात्री उसे घायल हो गया था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया पर वो मर गया। इसलिए हमें केस तो करना ही होगा। और एक बात, अब हमें 180-181 मोटर व्हीकल एक्ट पार्ट 2 IPC के अनुसार RC ओनर के खिलाफ केस भी रजिस्टर करना होगा। गाड़ी वीणा राय के नाम से उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। आप उन्हें अरेस्ट कर लेंगे तो हमारा क्या होगा? आप तो जानते हैं सर, हम लोग साधारण लोग हैं। आपको जो भी ठीक लगे आप कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखो अभी तुम ये जल्दबाजी में फैसला कर रहे हो, बाद में ये तुम्हें बहुत गलत लगेगा। नहीं पिताजी, नहीं। मैंने पहले ही तुम्हें ये बात बताई थी कि इस तरह का कुछ भी हादसा हो सकता है। बच्चों को पालते वक्त प्यार भी करना चाहिए और उन पर अपनी नकेल भी कसनी चाहिए। ठीक है, आप लोग वकील की सहायता लीजिए। ठीक है। शांति, तुम सो गई क्या? क्या है? देख, वो पढ़ाई कर रही है, अगर उसे पहले दे दिया होता ना तो अच्छा होता। सब सो गए क्या? हम लोग कोई खेल खेलें क्या? ऐसे रहोगी तो कैसे चलेगा? कैसे? अब हम उड़ेंगे। उसमें कैसे? वीडियो चैटिंग। क्या है बताओ ना। उसमें हम देखते हैं। देख रही हूँ। ऐसे नहीं। हाँ देख रही हूँ मैं। ऐसे नहीं यार। तो पूरी आंखों से देखते हैं। अब पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? ऐसी बात नहीं है, पसंद करती हूँ। तो मेरी प्यारी, जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ बस। अरे जल्दी चलाओ, वो मेरा वहां वेट कर रही है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं मंदिर के पास हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। तुम वहीं रुको, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है, तुम जल्दी आ जाओ ना। हाँ यार, अभी आ रहा हूँ मैं। अरे यार वो वहां वेट कर रही है, गाड़ी जल्दी चलाओ। ओके भाई। क्या हुआ? हाँ यार, गाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है। क्या यार, अब कैसे करेंगे हम? अभी खराब हो रहा था। हे रेशमा यार, गलत टाइम पे खराब हो जाती है, वो वहां वेट कर रही होगी।
एक काम करते हैं यार। क्या? फिलहाल हम उन्हीं को बुलाकर एक गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं। वो वहां रहेगा क्या? ट्राई करो। अरे फोन लगाना। हेलो उन्नी, 10 मिनट में एक गाड़ी चाहिए, दिला सकते हो क्या? तुरंत भेजिए आप, पाली पीढ़ी में तुरंत भेजिए आप। अभी तुम कहाँ? कहाँ तुम्हें मंदिर के पास हो? वो पुराने वाले पंप के पास आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ आती हूँ। ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। चलिए गाड़ी चला। हाँ, जल्दी, 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 जल्दी चलो, चलो जल्दी चल, चलो चल चल चल। अरे यार ये कहाँ से आ गया? अरे यार ये लोग यहाँ कहाँ से आ गए? कहीं कुछ लफड़ा ना हो जाए यार। अरे यार अब उसे दूसरी जगह बुलाऊंगा तो वो वापस लौट जाएगी। अरे यार अब क्या करें बताना, कुछ तो करना पड़ेगा। ए, हाँ, वो चला गया। हाँ यार चला गया वो। हेलो, इस वक्त मैं पंप के सामने नीली गाड़ी में हूँ। हाँ हाँ वहीं पे। हाँ उसी गाड़ी में, उसी गाड़ी। रोहित भाई, मैं जल्दी आने के लिए सोच रहा था, लेकिन विधवा पेंशन के चक्कर में म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस गया था, वहीं पर थोड़ा लेट हो गया। फैसला क्या हुआ? क्या होगा, सजा मिल गई है, 6 साल उसे जेल में काटने होंगे। हम अपील करेंगे। कैसे करोगे? वो अनजान नहीं था, उसे समझना चाहिए था। हो जाएगा। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। रात में मेरी फ्लाइट है, मैं निकल जाऊंगा। जी ठीक। ओके। टीचर, टीचर मेरी बेटी को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, उसने कहा उसके सर में दर्द है इसलिए यहाँ लेकर आए हैं, और कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ है? आप जाकर डॉक्टर से मिल लीजिए। मेरी बच्ची, बैठिए। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो कुछ कहती हूँ उसे ध्यान से सुनिए। क्या हुआ डॉक्टर? अभी आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। स्कूल की लड़की को जिसने प्रेग्नेंट किया है उस लड़के का अभी तक पता नहीं चला है। लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, इसलिए पुलिस को उसका पता लगाने में बहुत परेशानी हो रही है। लड़की कहाँ है? क्यों सर, आप बार बार यहाँ आके हमें परेशान कर रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इसके कुछ नियम होते हैं। एक लड़की के साथ ऐसी घटना हो तो उसकी वजह कौन है ये जानना जरूरी है। नियम के सामने वो गुनहगार है। सर आपने एक बार पूछताछ कर ली ना, अब क्यों आए हैं? एक बार नहीं, पूछताछ बार बार होती है। इसके पीछे कौन है ये हमें जानना है। लड़की कहाँ है? तुम लोग रुको, तुम दोनों मेरे साथ आओ। बच्चे बिना जाने हम यहां से नहीं जाएंगे। बताओ कौन है इसके पीछे? तुम्हें डरा कर ऐसा किया या फिर तुम्हारी मंजूरी से हुआ? देखो हमें पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी ना, तुम्हें इस जगह लाने वाले को कानून के सामने लाना ही होगा ना। देखो बेटी तुम्हारा स्टेटमेंट जरूरी है। हमें जैसे खबर मिली है उसके अनुसार एक नहीं ज्यादा लोग थे। सर पढ़ी लिखी जिद्दी लड़की है ये। आपकी बेटी का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है और हम वो इसे लेकर के ही रहेंगे। एक बात तो है कि ये किसी से डर रही है, इसकी मंजूरी से ये घटना तो नहीं हुई है। खैर जो भी हो हम जानकर ही रहेंगे। चलो
किया था। देख तू जानती है मुझे कुछ गंदी आदतें हैं, लेकिन मैं अपना होश कभी भी नहीं खोती हूँ। फेसबुक व्हाट्सएप सब ठीक है, लेकिन इस तरह तुम कैसे इनकी जाल में फंस गई? समझना चाहिए था ना, अपनी हिफाजत तो हमें खुद ही करनी पड़ती है ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनो, ये प्रॉब्लम रहेगी, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये सीरियस मैटर है। कहीं उसने नाम ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक नहीं बताई है ना, आगे भी नहीं बताएगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? बताना चाहती तो वो पहले ही बता सकती थी, और हम उसे जबरदस्ती तो लेके नहीं गए ना। क्या कहा? वो प्रेग्नेंट है, हमें ये समझना चाहिए। घर वालों तक बात पहुंची तो वो जान से मार देंगे। शांति दीदी, शंकर भाई कहाँ है? शंकर भाई रात में गांव चले गए। अच्छा, और बेटी कहाँ है? वो अंदर है। उसने कुछ बताया क्या? नहीं। देखिए आप चिंता मत कीजिए, बेचारी वो बहुत दुखी होगी। मैं अंदर जाकर के उसे हिम्मत देने की कोशिश करता हूँ। जो लड़की गर्भवती हुई थी उस घटना में एक नया ही मोड़ आ गया है। पूनम पेट्रोल पंप के पार्किंग में पार्क की गई एक बाइक चोरी हुई है, और जब वहां के सीसीटीवी कैमरा को देखा गया तो ये लड़की एक कार में बैठकर गई थी, ऐसा फुटेज पुलिस के हाथ में लगा है। पुलिस उसी को आधार मान के आगे की जांच पड़ताल कर रही है। लड़की चालाक निकली। कौन? वो शंकर की बेटी है ना। क्यों, शंकर की बेटी से गलती नहीं हो सकती? आधा है यार, ये कल मरने वाले हैं तो आज ही मर जाए। कितने पैसे हुए भाई? 50 रुपए। ये लो 30, बाकी बाद में लेना। दे दूंगा, बात थोड़ी दे रहा हूँ। मरने से पहले तेरा बाद आ जाएगा ना। अरे दे दूंगा ना यार, लो पैसे रख लो। मम्मी मारेगा क्या? मैंने मरेगा बोला तो सही में मर गया क्या? हेलो हेलो राय सर, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, मैं एक फंक्शन में हूँ। क्या कहा सर? सर मैं एक मिनट बाहर आकर बात करता हूँ। ठीक है, कौन था वकील? कौन था बोलो ना। पुलिस स्टेशन से राय सर का फोन था, उन्हें मुझसे कुछ बात करनी है। राय सर आओ आओ। हाँ हेलो राय सर, हाँ बोलिए सर। देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या सर? साजी तुम्हारे साथ है क्या? हाँ है, क्या बात है? तुम जरा अकेले में आओ। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। वो ऐसा है कि वो जो शंकर की बेटी है ना, जो गर्भवती हो गई थी, वो लड़की एक कार में बैठी थी, ये सबूत मिल गया है। और उस कार का ओनर कोई और नहीं बल्कि अपना साजी है। मैंने तुम्हें बता दिया, अब जो करना है सोच समझ के करना। अरे क्या हुआ? जब गाड़ी बेचते हो तो अपना नाम नहीं बदल सकते? वो गाड़ी पकड़ी गई। कौन सी गाड़ी भाई? छे कलिपु लोग इस बार बुरी तरह से फंस गए। किया दूसरे लोगों ने, इल्जाम उनके ऊपर लग गया। अब तक हर केस में ये लोग बच निकलते थे, लेकिन इस केस में गए ये लोग। ए, गाड़ी साइड में लगा। सर कलिपु वालों की क्या दिक्कत है? वो स्कूल की लड़की जो गर्भवती हो गई थी ना, पता चला है वो लड़की साजी की कार में बैठी थी, और इस बात के सबूत भी मिल गए हैं। अब पुलिस डिपार्टमेंट उसे छोड़ेगा नहीं। कलिपू ने कोई पंगा लिया था क्या? सर वो लोग वैसा नहीं किए होंगे सर, वो लोग वैसे हैं ही नहीं। हम लोग तो सिर्फ मारपीट करते हैं, और वो भी हमारे ही जैसे हैं। सर आपकी भाषा में कहूँ तो कोई गुंडा किसी लड़की की इज्जत के साथ नहीं खेलता। ये कोई साजिश है सर। इस बात को और मत बढ़ाइए सर। शंकर भाई, शंकर भाई, आपकी वजह से हम लोग अभी तक शांत बैठे हैं भाई। रेशमा के साथ जो हुआ उससे हम भी दुखी हैं। एक नई समस्या खड़ी हो गई है। हमें पता चला है कि इसकी गाड़ी में आपकी बेटी गई थी।
रेशमा को बताना चाहिए था कि वो किसके साथ गई। इसने तो गाड़ी बेच दी थी। देखो तुम लोग अभी यहाँ से निकलो, यही अच्छा होगा। किसके लिए अच्छा होगा? शंकर भाई अपनी बेटी को बुलाओ। हम लोग बेगुनाह हैं, अगर फंस गए ना तो तुम्हें सबक जरूर सिखाएंगे। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है? हम लोग पहले से ही दुखी हैं। अगर और दुखी करोगे तो हम चारों की लाशें मिलेंगी। और मैं ये मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। हमें अकेला छोड़ दो। क्या पाप किया अपनी बेटी से? पूछो, जाओ और पूछो अपनी बेटी से। शंकर भाई आप अपनी बेटी को बुलाइए। आप नहीं बुलाएंगे तो हम बुलाएंगे उसे। उसे हमारे सामने आना ही होगा। एक लाश के जैसी मेरी बेटी अंदर है। सब लोग मिलकर मेरी बेटी को और तंग मत करो। तुम सब लोग अच्छे लोग हो, ये मैं अपनी बेटी से कहलवा दूंगा। ये कहलवाना मेरा काम है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। आरसी बुक में नाम बदलकर बेचा है, कौन विश्वास करेगा इस पर? क्या तुम पहली बार कार बेच रहे हो? असीम भाई जैसा धंधा करता है वैसा तू भी करेगा क्या? तू भी यार। चह नहीं, तुमने किसे गाड़ी बेचा? है? मैंने वो खोटा बॉस को बेचा था। पागल है ये, पूरा पागल। कोई भी खोटा बॉस को बिना आरसी चेंज के गाड़ी बेचता है क्या? वो किसी और को बेचने के लिए गया था, उसके पास मेरी गाड़ी भी है। ए, जा भाई इसकी से हेलो। सिराज, वो पुलिस वाले हमसे दुश्मनी निकालेंगे। वो तो बस मौके की तलाश में है और हम है कि उन्हें मारने के लिए मौका दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैंने ये जानबूझ के थोड़े ना किया है। जानबूझ कर नहीं, लेकिन गाड़ी तो तुम्हारे ही नाम थी ना, और सी बुक भी तुम्हारे ही नाम है। वो लोग अब तुम्हें ही उठा के लेके जाएंगे। ऊपर से लड़की का मामला है भाई, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा केस मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुम पागल हो गया क्या? नीचे हटो। आपने देखा इसे, क्या बकवास कर रहे हैं? हम अलग नहीं हुए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब एक साथ है, पागल आदमी नहीं समझेगा। देखो एक बात तुम लोग कान खोल कर सुन लो, हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ, समझ गए? प्रभु तुम जगत के पालन करता हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। प्रभु तुम सब कुछ कर सकते हो, मेरा निवेदन है तुम इसे चंगा दो, इसे चंगाई दो, इसे चंगाई दो, इसे ठीक करो, इसकी सेवा करो। प्रभु प्रभु हालेलुया 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 प्रभु प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। चित्रा, क्या है माँ? वो वहाँ दूर जो खड़े हैं, वो क्या पुलिस वाले हैं? हाँ माँ, पुलिस वाले ही हैं। हाँ, कालीपुर टीम को पकड़ने आए होंगे। हेलो, हम आ रहे हैं। हाँ लोग अभी आ रहे हैं। सिस्टर, ब्लड कहाँ देना है? ब्लड देने आए हो? हाँ। कौन सा ग्रुप है? ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव। ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव में देना है। चलो। सिस्टर, मैंने आपको देख लिया, कहीं ओ पॉजिटिव ना हो जाए? नहीं, ओ नेगेटिव ही है। ठीक है, ठीक है। मैं देखता हूँ। क्या बोल के गई? चल चल यहाँ से, बताता हूँ तुझे। चलता हूँ ना, चलता हूँ। सिस्टर, वो ब्लड। चल आगे। सिस्टर ये रहा। यहाँ बैठो। बैठ जा, बैठ जा। चल। ए भाई, हेलो, आप निकालिए। क्या हुआ?
पुलिस तुम सबको ढूंढ रही है। उन्होंने दिवाकर से पूछताछ की है, कॉलोनी वालों को सब पता चल गया है। अभी तुम लोग कहाँ हो? हम लोग हॉस्पिटल में हैं। तुम सब वहाँ से भाग जाओ। ओके। क्या हुआ? अरे अरे बस हो गया, रुको रुको, बस बस बस, अरे शांत रहो। अरे कुछ नहीं होगा, चुप। अरे क्या कर रहे हो बच्चों? अरे रक्तदान महादान, चुप। हो गया हो हो गया हो गया हो गया छे। अरे कितना चिल्लाता है। पुलिस यहाँ आ गई है, चलो चलो निकलो यहाँ से जल्दी, पुलिस आ गई है। चलो जल्दी से गाड़ी पे बैठो, चलो चलो। ब्रेवो एलंगड़ा सिचुएशन आंसरिंग सर। आंसरिंग? हम जिन्हें पकड़ने के लिए आए थे वो भाग गए हैं सर, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं सर, फॉलो कर रहे हैं सर, जल्द ही पकड़ लेंगे सर, ओवर। जितनी जल्दी हो सके पकड़ो, उन्हें आज पकड़ना ही है, ओवर। रोजर। चाचा इधर आइए, गाड़ी इसके नाम से है, ये पकड़ा जाएगा, पुलिस हम सबको उठाएगी और बहुत मारेगी। तुमने वो गाड़ी उस गुंडे को बेची थी, जाके उसे पकड़ो। अभी तुझे उसकी क्या जरूरत है? एक काम करो, हमसे 10,000 फाइनेंस ले लो, मैंने उसे किसी और को बेच दिया है। बेच दिया? किसे? वो मेरे पार्टनर का दोस्त है रे। आरसी क्लियर किए बिना तूने कैसे बेच दिया कार को? जा बे जा, किसे चाहिए तेरी आरसी, उसे तू लपेट कर रख चल। अरे ओ कमीने, बिना नाम बदले तूने गाड़ी बेच दी और बकवास कर रहा है। बस कर, आरसी ना रहने वाली बीएमडब्ल्यू तक बेची है मैंने, गाड़ी की बात कर। बड़ा आया गाड़ी ढूंढने वाला। तू उधर जा, भला नहीं, पकड़ो उसे। अरे इसे छोड़ने के लिए तेरी तो, पकड़ो उसे, छोड़ना नहीं। वो कुनाल भाई को दिया है, आगे बढ़, रुक। कहाँ है गाड़ी? पता नहीं तो तेरी जान चली जाएगी, बता कहाँ है? पहले इसे छोड़ने के लिए कहा। जब तक तू नहीं बताएगा ये नहीं छोड़ेगा। कुणाल भाई को दे दिए। 15,000 देकर मैंने उससे गाड़ी खरीदी थी। तो गाड़ी अभी है कहाँ ये बता। वो तो रात में लोड होने के लिए गया। क्या लोड? हाँ क्या लोड है? MH ग्रीन लेवल, ये सारे उसी में लोड होते हैं। मेरी गाड़ी में शराब लेके जाते हो पागल। तुम्हारी गाड़ी? अरे मैंने पैसे देकर उसे खरीद लिया है। तेरी तो काफी है, काफी है। पैसा देकर तुमने गाड़ी खरीदी, सबको बता दो हम यही चाहते हैं। हाँ, पिछले महीने की 19 तारीख को तेरी गाड़ी में एक लड़की गई थी ना, तुझे पता ही होगा। लड़की? कौन सी लड़की? क्या बोल रहा है तू ये? हैं? तुम्हारी बच्ची सो गई क्या? जाके उसे सुलाओ। भाई आपकी बीवी है क्या? बता, उस दिन लड़की को लेकर किसे सौंपा था, जल्दी बता। नहीं भाइयों, मेरे प्यारे वकीलों, मैं गाड़ी का धंधा करता हूँ, साथ में शराब का भी करता हूँ, लेकिन लड़की नहीं, लड़की का धंधा नहीं करता हूँ मैं। मैं अपनी बीवी के अलावा किसी को भी नहीं घुमाता हूँ, सच कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम। अबे सच बता दे, पिछले 19 तारीख को तूने किसे गाड़ी दी थी? अब 19 तारीख को, हाँ मैंने गाड़ी रेंट पे दी थी। किसे? देवर उन्नी को। कानून की नजर में तुम क्या हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन अपने दिल से पूछो, तुम सब गुनहगार हो, गुनहगार हो एक नंबर के।
नहीं माँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। चले जाओ, यकीन करो मेरा, हमने कुछ नहीं किया माँ। चले जाओ, सुनो तो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। तुम लोग कैसे पाल पोस कर बड़ा किया और कैसे क्या बन गए। बात तो सुनिए, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। कितने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया था, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी छी, उसकी इज्जत लूटने क्यों किया ऐसा। दीदी आप कैसे जानती हैं कि इन्होंने ये सब किया है? कोई कुछ भी कहे पर मैं जानती हूँ इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये तुम कैसे जानती हो? मैं भी एक लड़की हूँ दीदी, इसलिए जानती हूँ। हेलो। हाँ क्या है बोलो। वो कलिप्पू गैंग यहाँ कॉलोनी में है। हाँ अगर उन्हें पकड़ना है तो जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ ठीक है, तुम वहाँ से निकल जाओ। ठीक है। ओके सुनो, चोला कॉलोनी की तरफ गाड़ी लो। कुछ नहीं किया कमीनू, तुम लोगों ने ही उसे पुलिस से पकड़वाया। अगर मर्डर केस में हमें फंसाया होता तो हम सह लेते, लेकिन ये लड़की का केस है। अब चाहे जो भी हो इन्हें कोई नहीं बचा सकता है। साजी को पुलिस मारेगी तो उसे फंसाने वाला हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। चलो रे।
सच सच बता, तू उस लड़की को कहां लेकर गया था? किसे सौंपा उसे? मैं नहीं जानता। हे पुलिस वाला, अपनी ताकत दिखा, इससे अच्छा है कि पहले तू ही बता दे। बता कहां रखा है उसे? मैंने उस गाड़ी को बेच दिया था। चुप कर। आरसी बुक में नाम बिना बदले किसी ने गाड़ी बेचा, ऐसा केस पहले कभी नहीं आया। वो गाड़ी तुमने बेची नहीं है, वो अभी भी तुम्हारे पास ही है। तुम्हारे साथ कौन था और तुमने उसे किसे दिया था? उस लड़की को तुम किसके पास लेकर गए? मैं उस लड़की को लेकर अपने साथ नहीं गया था। झूठ बोल रहा है तू। किसके लिए उस लड़की को लेकर गया था? जो ले गया था उससे जाके पूछो। जुबान लड़ाता है? जो लेकर गया था उसे पूछ रहे हैं? जो काम मैंने किया ही नहीं उसे कैसे मानूं? बोलो। बता किसके लिए लेकर गया था? बता मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। तू नहीं बताएगा? जरूर बताएगा, बताएगा तू, जरूर बताएगा। हाँ सर, हाँ वो मिल गया सर। हाँ ओके सर, ठीक है सर। हाँ अरे बस करो। चलो उठो, उठो। तुम ठीक हो? हिम्मत रखो। राजेश, तुमने तो एलएलबी की पढ़ाई की है, तुम्हें तो पता ही है ये बहुत क्रिटिकल केस है। ये केस किसी के ऊपर डालकर पुलिस इसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। वो लड़की साजी के केस में गई थी, ये बात साबित हो गई है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उस गाड़ी का मालिक कौन है, और उसे ढूंढ के निकालना होगा तुम्हें। लेकिन साजी की जमानत? जमानत तो मैं करवा दूंगा, बेल एप्लीकेशन फाइल कर दी है मैंने। लेकिन ये लड़की का मामला है इसलिए पुलिस कोर्ट में रिमांड का टाइम बढ़ा देगी, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, जो हो सकेगा मैं करूंगा। हमें उसे पकड़ना ही होगा। क्यों तेरे पीछे दौड़ रहे थे? ये बात तू अच्छी तरह जानता है। अब साफ साफ बता, 19 तारीख को तू किसके लिए गाड़ी लेकर गया था? नहीं बता, 19 तारीख को तू किसके लिए गाड़ी लेकर गया था? अगर तू नहीं बताएगा तो तेरा कीमा बना देंगे हम। चल बता। मैं उसे लेकर नहीं गया। तुम लोग गलत एड्रेस पे हो, मैं कुछ नहीं जानता। कलीपू गैंग सब जानता है, बता सच क्या है? अरे क्या सच बताऊं? तुम लोग जाओ, तुम लोग इस तेवर उन्हीं को नहीं जानते हो। चुपचाप बता दे। बताता हूँ, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, बताता हूँ। बता। हेलो माँ। हेलो राजेश, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ
अन्याय के खिलाफ लड़ना अच्छी बात है, लेकिन लड़की की इज्जत से खेलना ये कहाँ का न्याय है? क्या मैंने तुम लोगों को बचपन से यही सिखाया था? ये सब क्या किया तुमने? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था तुम लोगों के बारे में। माँ, आप हमें गलत समझ रही हैं। बचपन से हम सब एक साथ पले बड़े। माँ, हम आपको अपने से अलग नहीं समझते। अगर एक माँ अपने बेटों को वापस बुलाएगी तो हमें खुशी होगी। हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन हम साजी को नहीं छोड़ सकते यार। माँ, आपके साथ जो भी घटना हुई, काश वो किसी औरत के साथ ना हो। हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी लड़की की इज्जत, ये हमारे लिए पाप है। अपने बेटे को अपने पास ही रहने दीजिए। साल के थे, उसकी माँ हमारी भी माँ बन गई, और तब से आज तक हमें यह एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी माँ नहीं है। लेकिन अब उस माँ ने हमें छोड़ दिया। खुद की माँ ने प्यार नहीं दिया तो दूसरे की माँ क्या प्यार देगी? ऊपर वाला ही हमारी माँ है, वही हमारा साथ देगा। क्या बताए भाई, हमारे एरिया में वो हो रहा है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अरे, वो कॉलोनी वाले की गाड़ी में बैठकर शंकर की बेटी ही गई थी, ऐसा सबूत मिला है। उस लड़की को तो उन्हीं लोगों ने गर्भवती किया होगा। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वो लड़की अभी माइनर है। गुड मॉर्निंग। आज केस का फैसला हो जाएगा ना। वो शंकर की बेटी का गुनाहगार कौन है, कुछ पता चला क्या मेंबर? क्या मालूम, उस लड़की ने अभी तक मुंह नहीं खोला है। यही तो प्रॉब्लम है, वैसे भी वो लड़की तो माइनर है। भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये केस तो शेर के मूंछ पकड़ने जैसा हो गया है। अरे, पुलिस वालों को एक बड़ा केस मिल गया है, इसलिए वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। लोकल चैनल वालों को बुला के हमें इस केस को आगे बढ़ाना चाहिए। अरे भाई, इससे क्या होगा? जॉन सर की भी एक बेटी है। सुनो भाई, मेरे घर में बेटा भी है और बेटी भी, और इस गोपाल के भी बेटा और बेटी दोनों हैं, और इसके भी सारे बच्चे अच्छी सोसाइटी में पल रहे हैं। अरे, वो लड़के ठीक लड़के नहीं है, ये बात तो आप भी जानते ही है ना। ये जगह बिल्कुल रहने के लायक नहीं है। वो लड़के सही नहीं, मैंने तो पहले ही बोला था। और भाई, ये सब जानने के बाद भी मेंबर कुछ नहीं कर रहा है? अब मेरी पोस्ट ही ऐसी है, क्या बोलूंगा उनके खिलाफ मैं। उस दिन बुलाया तो तुम गाड़ी लेकर गए, और तुम कुछ भी नहीं जानते हो, है ना? हाँ, नहीं जानता। जबकि सच ये नहीं है, तुम सब कुछ जानते हो। उन लोगों ने तुमसे गाड़ी मांगी और तुम गाड़ी लेकर गए। उसके बाद क्या हुआ वो सब तुम अच्छी तरह जानते हो। अब तुम उन्हें फोन करके यहां बुलाओ। उन्हें कैसे बुलाना है, कैसे लाना है, तुम अच्छे से जानते हो। जल्दी बुलाना। हेलो विनी, तुम कहां हो यार? क्या हुआ? कुछ बात है। हम लोग एक स्टडी टूर पे जा रहे हैं। साथ में कौन जा रहा है? मैं, विपिन और विशाल। क्या बात है बताओ? एक मस्त सेटअप हाथ लगी है। एक कंपनी वाले का है। बहुत मस्त आइटम है। मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी आ जा। ठीक है, जल्दी से लोकेशन सेंड कर। आते वक्त बाबा साथ में ले आना, मेरे पास से माल खत्म हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी से लोकेशन सेंड कर। मैं आज तुझे मान गया, अब देर क्यों कर रहा है, लोकेशन भेज। ये कैसी जगह है यार? लोकेशन यहीं की है क्या? देख। हाँ यहीं की है यार। वो लड़की को ऐसी जगह पे लेके आया है? क्या पता, सांप आप काट लिया तो हम मर जाएंगे। अगर इसने पहले बताया होता तो हम अपना इंतजाम कर लेते। हाँ यार। उन्नी उन्नी, अबे उन्नी कहाँ है? उन्नी उन्नी कौन है अंदर यार? उन्नी 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 आइटम में दिखा। उन्नी कहाँ है तू? क्या हुआ बे? उन्नी क्या हुआ? उन्नी उन्नी
घर से फोन है। अब हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने विनी को फोन किया था, उसका फोन नहीं लग रहा है जी। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं कोशिश करता हूँ। सुदर्शन, तुम अपने बेटे को फोन करो, विनी का फोन नहीं लग रहा है, शायद वो साथ में हो। शे, कहाँ है वो लोग? आप जरा अपने बेटे से बात कीजिए ना। वो लोग कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे और हम यहां फालतू टेंशन में हैं। और अब मेरी बीवी बार बार फोन करके मुझे तंग करेगी। तुम्हारे बाप का कॉल है, कॉल उठाओ। क्या बात करनी है पता है ना? हेलो पापा, तुम लोग अभी कहाँ हो? विनी को फोन किया तो फोन नहीं उठा रहा है। पापा, हम अभी नीला तोड़ी जा रहे हैं, यहाँ पर हम बोटानिकल सर्च करेंगे, विनी का फोन बंद हो गया है। ठीक है, तुम उसे फोन दो, उसके पापा मेरे साथ ही है। तुम्हारे पापा? हेलो। हेलो पापा, तुम्हारे फोन को क्या हुआ? मेरा फोन बंद हो गया पापा। तेरी माँ तुझे फोन कर रही है, नहीं लग रहा है तो मुझे परेशान कर रही है वो। मम्मी से मैं बात कर लूंगा, हमें आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम लोग जल्दी आ जाना। पापा आप टेंशन मत लीजिए। खाना खा लिया ना? हाँ पापा खा लिया है। अच्छा, फोन विकी को दे दो, उसके पापा बात करेंगे। डैडी, तेरे फोन को क्या हो गया? वो फोन की बैटरी डेड हो गई है डैडी। अरे तो कहीं रुक करके फोन चार्ज कर लो ना। अरे वो क्या है कि हम लोग जंगल वाले एरिया में हैं। काम खत्म करके चार्ज कर लूंगा। वहाँ पर खाने को कुछ मिलेगा क्या? खाना तो साथ में लाए हैं डैडी। ये बच्चे भी ना। अरे भाई, हमारे जमाने में ऐसा कुछ था क्या? क्या यार, वकील साहब रुके रुके, रुके रुके, कुछ काम था आपसे। उस साजी के बारे में बात करनी थी आपसे। उसे जमानत नहीं मिल सकती है। उस लड़की ने मुंह खोला तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा ना? अरे लेकिन उस लड़की को मुंह तो खोलना चाहिए। सारे सबूत भी साजी के खिलाफ हैं। उस लड़की ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है ना? अरे वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उसने बता दिया तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो मुंह ही नहीं खोल रही है। तो फिर पुलिस को अपना काम करने दीजिए, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। चलता हूँ मैं, बाय, मिलते हैं। इन लड़कों को कानून के हवाले किया तो हम साजी को बाहर ले आ सकते हैं, लेकिन ये लड़के अपनी चालाकी से कुछ भी नहीं बता रहे। तीनों लड़के बहुत ही जिद्दी हैं। सर, इन्हें पुलिस में पकड़वाया तो? इन लोगों की उम्र कम है, अभी बालिग नहीं हुए हैं। ऐसे लोग अगर गुनाह करते हैं तो पुलिस अरेस्ट करके इन्हें कोर्ट में नहीं ले जाती। कम उम्र वाले जो गुनहगार होते हैं उन्हें बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दूध पीते छोटे बच्चे नहीं है, बड़ा कांड किया इन्होंने। फिर भी तुम लोग को अपने आप को बेगुनाह साबित करना ही होगा, वो देख लो कैसे करते हो तुम लोग। तुम लोग लड़कियों के साथ चीट करके उन्हें फंसाते हो, उसी में से एक लड़की ये भी है। तुम लोगों के लिए ये टाइम पास है क्या? बताओ कमीने। वो हमारी जान है, अभी जेल में है। स्टीफन को उसकी माँ ने अलग किया है इनकी वजह से, सिर्फ इनकी वजह से। लड़कियों के साथ ये सब करने के लिए तुम लोगों को किसने कहा था? आप सिर्फ हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम सिगरेट पीते हैं तो लड़कियाँ गांजा पीती हैं। तुम लोग ठंडा पीते हो तो लड़कियाँ बियर पीती हैं। अरे वाह, भाई लोगों को तो सब पता है। ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता है? अब क्या हमें तू बताएगा? हम इन सब से सच बोलवा सकते हैं, लेकिन इसे सुनने वाला कोई होना चाहिए। लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे, हमें बेवकूफ समझेंगे। चैनल वाले हमें सपोर्ट करेंगे क्या? यहाँ गुनाह करने वाले गुनाह में फंसे सब माइनर बच्चे हैं। अब इनकी उम्र कम है, ये लोग गुनाह साबित होने के बाद भी बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें भी माइनर होना पड़ेगा। हा? क्या कहा? हाँ, हम भी कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, गुनाह करेंगे। चुप रहो। कांटा को कांटा से ही निकालना होगा। रेशमा को जिस रास्ते में फंसाया गया, हमें भी उसी रास्ते से बाहर निकलना होगा। कैसे? ऑनलाइन मीडिया से। करेक्ट। चैटिंग करके उन्हें फंसा करके गलत काम किया इन लोगों ने। सब लोगों तक हम लोग ये बात पहुंचाएंगे।
ना? हाँ सर। वो किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, अभी हम दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे, ठीक है? ठीक है सर। उसे सजा मिलनी ही चाहिए, उसके ऊपर सेक्शन 366 और सेक्शन 376 आईपीसी की धारा लगाओ। ओके सर। यहाँ पर ऑनलाइन मीडिया सेल्स हैं। तुम लोग माइनर हो, इसीलिए हम डायरेक्ट मीडिया को शामिल नहीं कर रहे हैं। आज के टाइम में किसी भी बात को बाहर लाने के लिए ना मीडिया बहुत होता है, समझ गए? इसलिए पूनम पंप के पास क्या हुआ तुम लोगों को सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तुम लोग जो भी बताओगे वो सब लाइव टेलीकास्ट होगा। ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है, हमें कानून को जवाब देना होगा, इसलिए हम लाइव प्रोग्राम बना रहे हैं। हेलो मिराज भाई। सब सच सच बुलवा लो, सच बुलवाने के लिए ऊपर वाला तुम्हें शक्ति देगा। बताता हूँ। तो मीडिया वाले रेडी? हम रेडी हैं। मास्टर कैमरा से इस सेटअप पे हम अप्लाई करेंगे, इससे हम दूसरे मीडिया वालों को भी कनेक्ट कर सकेंगे। उसके लिए हमें 2 मिनट का टाइम चाहिए, सब समझ गए ना? ठीक है। आप 2 मिनट के टैली करने के लिए हम सबको कन्वी होना होगा। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाय, हम छोटी सी बात पर चर्चा करने आए हैं। हम पहली बार लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ज्यादा तो हमें पता नहीं है, इसीलिए सोशल मीडिया के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमारा काम पुरानी गाड़ी बेचना है। इस समय हम आपके सामने लाइव हैं, सिर्फ अपने दोस्त की बेगुनाही साबित करने के लिए। पूनम पेट्रोल पंप केस में हमारा दोस्त अंदर है जो कि बेगुनाह है, और ये बात हम दुनिया को बताना चाहते हैं। तो कौन है असली गुनहगार, उन्हें हम दिखाने जा रहे हैं। इसके पीछे कुछ स्कूल के बच्चे हैं, अब वही लोग सारी बातें बताएंगे। चलो आ जाओ। हाय, मैं विन्नी जॉन्स। पूनम के केस में हम गुनहगार हैं। चैट करते वक्त मैंने वीडियो कॉल से मैंने उसे पटाया, फिर उसके बाद रिलेशन बनाया। हम रेशमा को ले गए थे दूसरे आदमी के लिए। पवित्रान मेंबर के लिए हम रेशमा को लेके गए थे। ये तो हमारे शंकर भाई की बेटी है ना? हाँ हाँ, वही है, वही है वो। ये तो कुणाल जी की लड़की है, तुम इसे पटा सकते हो क्या? अरे मैं किसी को भी पटा सकता हूँ। ये बहुत तेज है। मैं मजा करूंगा, उसके बाद तुम लोग। आप पहले मजा करेंगे, हमें पहले से ही पता है। सही है ना?
इसके पीछे मैं हूं, अगर ये बात किसी को पता चली तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हारे माँ बाप को, समझ गए ना क्या कह रहा हूं? अच्छा उस लड़की ने मुंह तो नहीं खोला ना? अगर वो मुंह खोल देती तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती, लेकिन वो मुंह ही नहीं खोलती। कोई फायदा नहीं, सब कुछ सच सच बता दे। पूनम पेट्रोल पंप कांड के केस में गुनहगार कारसाजी उर्फ साजी कुमार को इस केस में उसके गुनाह साबित न होने के कारण कोर्ट उसे बेगुनाह मानकर बरी कर रही है। बाल्यावस्था में रहने वाले उसके खिलाफ गवाह और सबूत के अनुसार जनप्रतिनिधि पवित्रन और उसके साथी गुनहगार जॉन का लड़का बिन्नी जॉन, उसके साथ रहने वाले सुदर्शन का बेटा विपिन एस, उसके बगल में रहने वाला गोपाल का बेटा विशाल, मुल्लवेली कॉलोनी में रहने वाला राम का बेटा तेवर उन्नी उर्फ उन्नी कृष्णन, इन सबको गुनहगार मानकर कोर्ट उन्हें भारतीय कानून के अनुसार 376 आईपीसी पॉस्को एक्ट के अनुसार पहला आरोपी पवित्रन और पांचवे आरोपी उन्नी कृष्णन को उम्र भर की सजा और 2,00,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाती है और जो दोषी माइनर है उन्हें 5 साल तक जूनियर जेल की सजा काटने का हुक्म देती है। वो नहीं आया क्या? नहीं, कोई भी गुनाह करो चलेगा, लेकिन लड़की के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए था, इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता। हेलो, हाँ ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। क्या बात है? जनरल हॉस्पिटल से फोन है, वहाँ एक एक्सीडेंट केस आया है, अर्जेंट ब्लड देना है। ग्रुप पूछा था क्या? सिर्फ ग्रुप सुनकर ब्लड देने वाले ये कलिप्पू की टीम नहीं है। चल गाड़ी निकाल जल्दी। ये कोई लड़की का केस नहीं है, ये एक अलग केस है। अभी तक हमने जो देखा या सुना वो सच नहीं है, बल्कि अभी जो हम देखने वाले हैं वही सच है, और वो सच्चाई अब आप भी देख लीजिए।